So I welcome everyone on behalf of Dr. Uday Shah and entire Sai Karuna Mission team आज के सेशन के लिए। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने आप को सेंटर करेंगे, जस्ट सेटल आवरसेल्फ। तो चलिए सब जन अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। Close your eyes. हम इन्वोक करेंगे सारे देवी देवता, मास्टर्स, गुरु का, जो भी हीलिंग आप रिसीव, उन सारे हीलिंग मॉडलिटीज का हम आह्वान करते हैं। अब हम महसूस करेंगे कि जिनको भी हमने आह्वान किया उन सब की हीलिंग ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आपके तरफ आते हुए कल के माध्यम से पूरे शरीर में जा रही है। ये ऊर्जा आपके शरीर के हर एक अंग को पूरी तरह से हील कर रही है। सभी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट आपके मसल्स, हर एक बोन्स और बोन जॉइंट्स, इन सब के अंदर ये हीलिंग ऊर्जा जा चुकी है। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होते जा रही है, इसी के साथ आपका माइंड भी रिलैक्स हो रहा है। The ceiling light is making you stable, connecting you to present. आप पूरी तरह से present moment में आ रहे हो, feeling the healing light around you. आपके शरीर से
आपके सराउंडिंग में भी आ चुके हैं। आपके शरीर के चारों तरफ ये हीलिंग ऊर्जा है। और ये आपके एक्सटर्नल एनर्जी को भी पूरी तरह से क्लींस कर रही है। आपकी एक्सटर्नल एनर्जी जो शरीर से बाहर की ऊर्जा है वो भी पूरी तरह से क्लींस हो चुकी है और आप सुरक्षित हो। अब इस हीलिंग ऊर्जा को आप अपने फोरहेड पे महसूस करें, आईब्रोज के बिटवीन एनर्जी सेंटर है जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र। इस सेंटर पे ये सारी हीलिंग ऊर्जा को महसूस कर, थर्ड आई चक्र इज कंप्लीटली एक्टिवेट। कंट्रोल द वाइब्रेशन अब ये थर्ड आई चक्र आपका पूरी तरह से एक्टिव होते हुए इसकी सारी ऊर्जा बैलेंस्ड हो चुकी है। अब आपकी चेतना पूरी तरह से प्रेजेंट में आ चुकी है। Your consciousness is purely back in this present moment. आपके शरीर को फील कीजिए, आपके ब्रेथ को फील कीजिए। अब धीरे धीरे आप प्रेजेंट मोमेंट में आइए। Slowly, slowly, bring back your consciousness in present moment. आपके हाथों की और पैरों की उंगलियों में movements लाएं। Rub both your palms together. Say thanks to all the healing energies. जिन किसी को भी आपने इन्वोक किया था। एंड स्लोली ओपन योर आईज, जस्ट प्रे एंड से थैंक यू एंड स्लोली ओपन योर आईज। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे अभी हमने एक छोटा सा मेडिटेशन किया, हमने अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने महसूस किया होगा आपके इस चक्रा के वाइब्रेशन को, इस चक्रा के एनर्जी को। अभी जो आपने महसूस किया एट योर थर्ड आई चक्रा, मे बी सम टिंगलिंग, मे बी सम रोटेशन, तो ये क्या था? ये ऊर्जा थी, जैसे हमारी अपनी ऊर्जा जो आपके माइंड से फ्लो हो रही है, आपके इस चक्रा से फ्लो हो रही है, थर्ड आई चक्रा से। तो ये आपका माइंड की एनर्जी से कनेक्ट होते हुए एक लेयर बन रहा है। तो
ऐसे ही आज हम इस एनर्जी के लेयर्स को समझने वाले, ऑरा लेयर्स जिसे हम कहते हैं, ऑरा जो हमारे इर्द गिर्द है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह जो हमें सराउंड करते रखी है। यह हमारे मन के विचारों से बनी हुई है। आपने अपने शरीर को क्या दिया है, आहार, विचार, व्यवहार से, उसकी एक प्रकृति है, उसकी एक झलक है, आप ही की ऊर्जा है। फिर आपके चक्रा, इसने क्या आपके अंदर इमोशन स्टोर किया है, लाइक थर्ड आई चक्रा कनेक्टिंग विथ माइंड, हैव सो मेनी थॉट्स इनसाइड यू। तो वैसे हमारे बहुत दूसरे भी चक्रास हैं, उन चक्रास में आपने कौन से इमोशन को रेजिस्ट किया है, उसी तरह की तरंगे उसी चक्रा से फ्लो होती है। फिर जैसे हमारे पंच तत्व है, हमारे फाइव एलिमेंट्स जिससे हमारा शरीर बना है, अगर ये फाइव एलिमेंट्स भी कहीं डिस्टर्ब है या फिर बैलेंस्ड है, उसकी एनर्जी भी हमारे ऑरा में दिखाई देगी। फिर कुछ कार्मिक एनर्जीज भी हैं जो पास्ट लाइफ से हमने कैरी की हुई है, इसी लाइफ के डीड्स भी हैं। तो एवरीथिंग इज देयर इनसाइड दिस ऑरा लेयर। हमारे जैसे चक्रास है, मेजर एंड माइनर्स, मेनी चक्रास इन आर बॉडी, बट सेवन मेजर चक्रास जो हम हमेशा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दोज आर लोकेटेड इन आर स्पाइनल कॉर्ड। और ये चक्रा जब बैलेंस्ड होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी, गति जब बैलेंस्ड होती है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी इज ऑलवेज रोटेटिंग अराउंड अस। जैसे आप यहाँ पर अपने सामने एक छवि देख रहे हैं, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ एक बैलेंस्ड फाइव एलिमेंट की ऑरा है। सेंट हैं, जैन मॉन्क हैं जिनकी ये ऑरा है, और ये सर ने ऑरा की हुई थी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जो कलर्स हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कलर्स, द वेवलेंथ ऑफ द कलर्स इज सो मच इक्वल फ्रॉम बोथ एंड, दोनों तरफ, और एक बैलेंस्ड प्रपोर्शन में ये वेव्स चल रहे हैं, तो इसे हम एक बैलेंस्ड ऑरा कहेंगे। दिस इज अ ब्यूटिफुल ऑरा ऑफ फाइव एलिमेंट बैलेंसिंग। अब इस तरह से हमारे अपनी भी ऑरा बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे आप हर एक लेयर देख रहे हो कलर का, इसे हम लेयर्स कहते हैं, ऑरा लेयर्स। अब इस लेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं हम सबके लिए। अब लेयर समटाइम वी कैन कनेक्ट इट विद फाइव कोशास, अगर हम में से किसी ने अपने कोशा के बारे में समझा है, अपने कोशा के बारे में हमने पढ़ा है, तो देर आर फाइव कोशास इन अ बॉडी। और ये जो फाइव कोशास हैं, ये आपके इस पर्टिकुलर ऑरा लेयर से कनेक्टेड है। जैसे हमारा सेवन चक्रास हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड, रूट चक्र जो सबसे बेस में है, फिर इसके ऊपर जो है सेक्रल चक्र, स्वादिष्टाना जो हमारा नेवल से 1.5 इंच नीचे है, फिर नेवल से 1.5 इंच ऊपर जो है वो है मणिपुरा चक्र, फिर हाथ सेंटर पे है, सेंटर ऑफ द चेस्ट हार्ट चक्र, फिर उसके ऊपर आता है थ्रोट चक्र, फिर थ्रोट के ऊपर आता है आईब्रोज के बिटवीन थर्ड आई चक्र, एंड उसके ऊपर आता है हमारे क्राउन चक्र, टॉप ऑफ द हेड। तो उसी तरह से एक पंच कोशा है, जो पंच कोशा अगेन अ लेयर ऑफ ऑरा कनेक्टिंग विथ अ बॉडी, जिससे सबसे अंदर रूट चक्र से कनेक्टेड अन्नमय कोशा होता है। अन्नमय कोशा क्या होता है? अन्नमय कोशा ये आपके फिजिकल बॉडी के ऑर्गेन से कनेक्टेड है। आपकी जितनी भी जो भी प्रैक्टिस है रिलेटेड टू फूड इनटेक, वो फूड इनटेक को मैटर करता है। यहाँ पे वो शीट आपके पूरे डाइटरी हैबिट्स के बारे में बताता है, तो आप किस तरह का फूड अपने शरीर में दे रहे हो, बट फ्रॉम वेयर दैट फूड इज कमिंग, वॉट काइंड ऑफ एनर्जी दैट फूड हैज, ये सारा बहुत कुछ मैटर करता है। जब आप फूड बना रहे हो तो विद वॉट काइंड ऑफ इमोशंस यू आर प्रिपेयरिंग द फूड, तो ये सारी चीजें आपके अन्नमय कोशा में जाती हैं, जो सबसे अंदर का लेयर है, जिसे हम रूट चक्र से कनेक्ट करते हैं, एंड मोर लाइक अ सॉलिड फॉर्म। यहाँ पर उसके फंक्शंस आ गए। अब अन्नमय के बाद जो सेकंड कोशा है, अन्नमय के ऊपर देर इज अ सेकंड कोशा जिसे हम प्राणमय कोशा कहते हैं, एनर्जी बॉडी। प्राणमय कोशा इट्सेल्फ हम कहेंगे प्राणा, वाइटल ब्रेथ। जैसे अभी आपने एक एनर्जी ली,
और उस एनर्जी को आपके शरीर को हील करने के लिए आपने कहा। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम एलिमेंट, ये एलिमेंट्स आप एनर्जी अंदर ले रहे हो, प्राण एक वाइटल फोर्स को आपके अंदर बैलेंस कर रहे हो। जैसे कुंडलिनी के जैसे जागृत होने की जो संकेत होती है, तब भी एक एनर्जी आपके अंदर फ्लो होती है। इट इज अ लाइफ फोर्स राइजिंग थ्रू द प्राण शक्ति। तो कोई जितनी ज्यादा ब्रीथिंग करता है उसकी वो कुंडलिनी की भी एनर्जी रेज होती जाती है। अब ये एनर्जी को अगर आप फील करना चाहते हो तो आपका प्राणमय कोशा है, ये प्राणमय कोशा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और इट गेट एक्टिव फ्रॉम योर मूलाधार चक्रा टू योर सहस्रार चक्रा। और ये आपकी सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए ये टेम्पररी फीलिंग होगा, जैसे कुछ पल के लिए ये फीलिंग आएगी एनर्जी की, प्राणमय कोशा की, आप वाइब्रेशन फील करोगे या फिर सारे चक्रास को एक साथ वाइब्रेट करते हुए फील करोगे, मीन्स एवरी सेवन चक्रास। तो ये प्राणमय कोशा आपके उसके आउटर लेयर है, मीन्स अंदर का एक फिजिकल लेयर हुआ अन्नमय कोशा, उसके बाद हमारा प्राणमय कोशा आया। अब ये प्राणमय कोशा के बाद दूसरा जो उसके बाहर की तरफ का है, इट इज अ मनोमय कोशा। मनोमय कनेक्ट्स विथ योर इमोशनल बॉडी, मीन्स आपकी जो भी इमोशनल चीजें हो रही है शरीर में, आप कहीं पे पेन फील कर रहे हो या फिर आपको कोई और चीजें ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वरीज है, तो इसका असर कौन से कोशा पर जाता है? दैट इज मनोमय कोशा। ये हमारी थर्ड शीट है, कंसंट्रेशन आपका फोकस इसके ऊपर सराउंडेड रहता है। अब ये प्राणमय कोशा को जैसे सराउंड करता है तो ये एनर्जी की डिस्टर्बेंस अगर वो ना स्टार्ट करती है तो बिकॉज ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, मीन्स आपको साइकोलॉजिकल बिहेवियर कई बार लोगों का चेंज होता है या फिर इट गेट इम्पैक्ट्स टू स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे सेंसेस होते हैं। तो ये सेंसेस कैसे होते हैं डिस्टर्ब? बिकॉज ऑफ इमोशनल बॉडी डिस्टर्बेंस, मीन्स मनोमय कोशा का डिस्टर्बेंस हो रहा है एंड मनोमय कोशा इज सराउंडिंग टू योर प्राणमय कोशा जो इंटरनल ऑरा है, और उसके साथ एनर्जी बॉडी भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसको करेक्शन हम कैसे करते हैं? लाइक वी कैन डू करेक्शन विद मेडिटेशन। अब सेल्फ मेडिटेशन कीजिए, आप फाइव सेंसेस के मेडिटेशन कीजिए, अपने इमोशंस को स्टेबल कीजिए। अब इसके बाहर कौन सा लेयर आता है? जैसे मनोमय कोशा के बाहर आता है विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय कोशा ये हमारी फोर्थ शीट है। अब ये सराउंड करती है हमारे अंदरनल मनोमय कोशा को और ये ज्यादातर आपके चेस्ट एरिया से कनेक्ट करता है। मीन्स हम कहते हैं इंट्यूशन, आपका हायर विजडम या फिर डीप कनेक्शन विथ योर कॉन्शियसनेस। तो ये कब होता है? जब आपका विज्ञानमय कोशा बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हो। अब विज्ञान में कोशा जो होता है वो आपको विजडम की तरफ ले जाता है। इफ इट इज इन बैलेंस्ड स्टेट इट विल टेक यू टू विजडम, मींस जहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, साइकिक एबिलिटी बहुत पावरफुल होगी, यू कैन कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, हायर मास्टर्स वेरी इजिली। अब ये सारा विज्ञानमय कोशा में हुआ। उसके बाद सबसे बाहर का लेयर आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा इज दैट प्योर सोल की एनर्जी, ये सोल की एनर्जी है और ये आपके हार्ट सेंटर से कनेक्ट होते हुए, इट इज लाइक अ प्योर लव, डीप अनकंडीशनल थिंग। अब ये लोकेट कहाँ होगा? ये लोकेट होगा अबाउट द हेड। अब यहाँ पे आपका जो नेक एरिया है, जो हेड एरिया है, इन दैट एरिया यू कैन फील अ लॉट ऑफ ब्लिसफुल एनर्जी। ब्लिसफुल एनर्जी जब होती है तो आपका आनंदमय कोशा बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। अगर आप प्लीज नहीं फील कर रहे हो लाइफ में, दैट मीन्स योर आउटर एरिया आनंदमय कोशा, जिसे हम कहते हैं फिफ्थ शीट, ये डिस्टर्ब है। तो ये कैसे शुरू हुआ इसकी जर्नी? इट इज लाइक अन्नमय कोशा, अन्नमय के बाद आपका प्राणमय कोशा बाहर की तरफ, उसके बाहर मनोमय कोशा आया, मनोमय कोशा के बाहर विज्ञानमय कोशा, और उसके बाहर आता है आपका आनंदमय कोशा। अब जितने भी कोशा, ये पांच जो कोश है, ये हम रिसेम्बल कर सकते हैं हमारे अर्थ के जो लेयर्स हैं, अर्थ क्रस्ट जो है हमारी, उसके लेयर्स के साथ में। जैसे अर्थ क्रस्ट के देयर आर सेवन लेयर्स। अब अंदर जो लेयर है वो
सबसे अंदर का सॉलिड है, इनर कोर है सबसे अंदर अर्थ के। फिर उसके ऊपर का जो है वो लिक्विड कोर है। फिर उसके ऊपर जब आते हैं तो देर आर द एलिमेंट मिनरल्स मोर कनेक्टिंग टू दैट, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे जो थर्ड लेयर है इट इज अ मेंटल लेयर, इसमें अपर मेंटल और लोअर मेंटल हम कहेंगे। तो यहाँ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी गैदरिंग है, जैसे हम कहते हैं कि वाटर एलिमेंट हमारा, तो वाटर भी इस लेयर में कनेक्ट हो जाता है। फिर इसके ऊपर जैसे हम जाते हैं तो इसके ऊपर जो क्रस्ट आता है हमारा लिथोस्फीयर, सॉरी एंथनोस्फीयर है, और एंथनोस्फीयर अगेन कनेक्ट विद अस टू द आउटर एग्जिस्टेंस ऑफ, जैसे हम ईथर एलिमेंट कहते हैं, तो ईथर एलिमेंट की एनर्जी से वो कनेक्ट करता है आपको और भी। और फिर उसके ऊपर जब आप आते हो तो वो और आपके ईथर एलिमेंट से कनेक्ट करेगा जो लिथोस्फीयर है। तो ये सारी जो अर्थ के 7 डिफरेंट लेयर्स हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं इंटरनल लेयर से भी कनेक्ट करती है। जैसे सॉलिड डिस्टर्ब होता है, मीन्स हमारी फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब हुई तो इनर कोर डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा वाटर बॉडी वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है तो आपके लिक्विड कोर का डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हर एक चीज इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सारे लेयर से कनेक्ट है। अब जैसे आप इस 7 लेयर्स की बातें करते हैं, तो हम 7 लेयर्स को कैसे हील करते हैं? 7 लेयर्स वी कैन हील विद डिफरेंट कलर्स। जैसे हमारे ऑरा के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, हमारे डिफरेंट 7 कलर्स से हमारी ये ऊर्जा बनती है, और ये ऊर्जा लाइक अ रेनबो कलर, वी कैन इनटेक दिस रेनबो एनर्जी इनसाइड अ बॉडी विद डिफरेंट 7 कलर्स एंड हील आर एवरी चक्रास। हमारे हर एक 7 चक्रास पे हम काम कर सकते हैं। जैसे इन 7 चक्रास को हील करने का और एक तरीका है कि आप उनके बीज मंत्र से अपने आप की हीलिंग कीजिए, या फिर आप जैसे और एक तरीका होता है कि हम जो म्यूजिक से कनेक्टेड है, तो जो म्यूजिक लवर्स हैं दे माइट बी प्रैक्टिसिंग इट, जो सारे गामा पादा नी, ये जो 7 सुर है, देखिए इट इज सो ब्यूटिफुल रिसेम्बलेंस। हमारे 7 चक्रा कनेक्टिंग विथ 5 कोशास, अब ये 7 चक्र का रिसेम्बलेंस हमारे 7 कलर्स ऑफ रेनबो से भी है, यही 7 चक्र का रिसेम्बलेंस हमारे 7 सुरों से भी है, और ये हर एक सुर आपके हर एक पर्टिकुलर चक्रा से कनेक्टेड है। अगर इनसे भी आप मेडिटेशन करो तो आपकी इंटरनल हीलिंग होगी। लाइक अ साउंड, साउंड है और लाइट है तब एनर्जी बनती है। जो हम सुर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे सा, तो सा इज अ साउंड फ्रीक्वेंसी, एंड लाइट, जो लाइट आ रही है, रेनबो कलर्स कब आते हैं हम सब जानते हैं कि इट जब सन रेज एक ड्रॉप ऑफ वाटर से पास होते हैं एंड देन द फ्रीक्वेंसी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7 लेयर्स ऑफ कलर। तो ये एक लाइट एनर्जी आ रही है, तो लाइट एंड साउंड दोनों मिलकर हम अपने चक्रास की हीलिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर 7 लेयर्स हैं इन फॉर्म ऑफ स्किन, हमारी जो ये स्किन है, ये स्किन के भी इसी तरह से 7 लेयर्स हैं, एंड देयर आर 7 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आप देखेंगे कि ये जो 7 लेयर्स है, ये हर एक एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। हमारा अगर स्केलेटल है, स्केलेटन के बाहर मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर हमारी ये जो स्किन की लेयर्स आ रही, तब हमारा पूरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये लेयर भी है डिफरेंट डिफरेंट चीजों से कनेक्टेड है। जैसे स्किन के अंदर का जो सबसे अंदर का लेयर है, जिसे हम यहाँ पे सब क्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं, तो दिस ऑल्सो कनेक्ट विद द फिब्रॉइड सेल्स, एक सॉलिड सेल से वो ज्यादा कनेक्ट होते हैं और नियर टू बोन्स होते हैं। अब इनका जैसे फंक्शनिंग क्या है, इसको हम आयुर्वेदा में ममसधरा कहेंगे, ममसधरा लेयर विच कनेक्ट टू द फिब्रॉइड सेल्स, और ये आपके सॉलिड स्ट्रक्चर की हीलिंग करेगा। जब इंटरनली अगर आपको डिस्टर्बेंस फील होता है, योर स्किन इज नॉट मीन्स एजिंग हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है, स्किन के इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से शुरू हो रही है आपकी इश्यूज? ये इस इंटरनल, सबसे इंटरनल लेयर जो है, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है, वहां से वो इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया है, वहां से वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, तब वो डीप रूटेड है। इसके लिए जल्दी रिकवरी नहीं हो रही है, जल्दी हीलिंग नहीं हो रहा है। उसी तरह से हमारे उसके ऊपर के डिफरेंट लेयर्स हैं विच आर लाइक कनेक्टेड विद द एजिंग, टैनिंग ऑफ द स्किन,
कोई भी एक लेयर अगर डिस्टर्ब्ड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्किन का थर्ड लेयर ले ले, अपर ब्लड जो है डर्मिस है, तो वो अपर ब्लड नेट डर्मिस का अगर लेयर डिस्टर्ब्ड हो रहा है, तो ये आपके जो आई रिलेटेड है, आई अंडर आई जो है सिंक होगा, आई के पूरे एरिया में डार्कनेस होगा, जैसे हम ब्लैक सर्कल्स कहते हैं, डार्क सर्कल्स कहते हैं, तो ये चीजें आ जाएंगी। ब्लड रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन वहां पर इम्पैक्ट हो रहा है, जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो लो हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके इस लेयर से रिसेंबल कर रही है। तो हमारा हर एक लेयर इनडायरेक्टली ये सेवन चीजों से कनेक्टेड है। लाइक सॉलिड पार्टिकल की बात की हमने, अर्थ क्रस्ट का इनर कोर, तो सेम वे सबक्यूटेनियस टिश्यू इस सॉलिड कोर से कनेक्टेड है। फिर डीप ब्लड नेट डर्मिस है, दिस इज कनेक्टेड विद योर लिक्विड आयरन कोर। फिर उसके बाद जैसे आप उसका अपर देखेंगे, रेटिकुलर डर्मिस, तो वो कनेक्टेड हो रहा है अपर मेंटल लेयर से। फिर अपर जो ब्लड नेट डर्मिस है, ये कनेक्ट हो रहा है लोअर मेंटल से। फिर इसके बाद जैसे पेल्पलरी डर्मिस है, तो दैट इज कनेक्टिंग विथ एथनोस्फियर वाला लेयर। फिर उसके बाद जैसे ये ऊपर है लिविंग एपिडर्मिस एंड स्टेंटम कॉर्नियम, तो ये आपके लिथोस्फियर से कनेक्ट हो रहा है। तो सेवन लेयर्स कनेक्टिंग विद द सेवन लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो इनडायरेक्टली अगर आपके अंदर मिनरल विटामिंस कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट, ये ऊर्जा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है। सेम वे हमारे सेवन लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर भी हैं। अब इसको हम और डीप समझेंगे विद कोशास अगेन। जैसे हमने जो फाइव कोशास देखे, तो ये फाइव कोशास आपको कौन से लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं? फाइव कोशास आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ योर फाइव एलिमेंट्स। जो फाइव एलिमेंट्स हमारे सेवन चक्रा से कनेक्टेड है। अब सेवन चक्रास व्हेन वी वांट टू हील इट, वी कैन ऑल्सो वर्क ओनली ऑन एलिमेंट्स और वी कैन वर्क ऑन चक्रास वाइस वर्सा। अब कोशा पे काम करना मीन्स हमारे इंटरनल लेयर्स पे काम करना। जब आप अन्नमय कोशा पे काम करोगे, तो आपका जो अर्थ एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट हील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अर्थ एलिमेंट किस किस चीजों से कनेक्टेड है, जैसे आगे हमने थोड़ा सा समझा था, कि अब इसको और डीप लेवल पे समझेंगे। आपका अन्नमय कोशा फिजिकल शीट, पूरे फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है। यहाँ पे डीएनए आ गए, आपका ब्लड सेल्स आ गया, आपके एटम्स आ गए, मसल्स आ गए, टिश्यूज आ गए, फिर ऑर्गेन है, और पूरा एंटायर बॉडी सिस्टम, आपका पूरे सारे बोन्स, जो पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, स्केलेटन, वो पूरा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे अगर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, अन्नमय कोशा डिस्टर्ब हो रहा है, देन योर अर्थ एलिमेंट इज डिस्टर्ब, मीन्स इनर सॉलिड कोर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है आपका। तो इनर कोर को हील करना है, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज आएगा। फिर प्राणमय कोशा मीन्स वाटर एलिमेंट है आपका। प्राणमय कोशा अगेन कनेक्टिंग विद द नाड़ीज। हमने नाड़ियों के बारे में सुना है, समझा है, हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जब ये दोनों बैलेंस होती है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो नाड़ी को बैलेंस करने के लिए ये प्राणमय कोशा का बैलेंस होना जरूरी है। इट कनेक्ट्स विद द चक्रास, इट कनेक्ट्स विद द एनर्जी, इट कनेक्ट्स विद द वाइटल फोर्स। वाटर एलिमेंट भी यहाँ पर कनेक्टेड है। इसलिए हम देखेंगे हमारे लाइफ की प्रोग्रेस के लिए हम चाहते हैं कि हमारे अंदर का वाटर एलिमेंट बैलेंस हो। अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन फेस हो रहा है, प्रेजेंट लाइफ में हर्डल्स काफी आ रहे हैं, रिलेटेड टू रिलेशंस है, रिलेटेड टू मे बी फाइनेंसेस हो, तो इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन आपके वाटर एलिमेंट से भी है। अगर उसका एनर्जी फ्लो ही नहीं है, वाटर स्टेगनेंट हो रहा है, तो आपकी अंदर की एनर्जी जो चक्रा से कनेक्टेड है, वाइटल फोर्स से कनेक्टेड है, वो स्टेगनेंट हो रही है। तो नो न्यू एनर्जी, नो न्यू प्रोग्रेस, नो प्रॉस्पेरिटी, ये प्राणमय कोशा। अब उसके बाद जैसे मनोमय कोशा हुआ, मनोमय कोशा इज मोर कनेक्टिंग विथ फायर एलिमेंट। जैसे ये आपके लोअर माइंड मीन्स हमारे इमोशंस हैं, हम बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वी स्टार्ट डाउटिंग ऑन सेल्फ, हम सेल्फ डाउट करते हैं, अदर्स पे फेथ नहीं कर पाना, चीजों को बहुत जल्दी जज कर देते हैं हम, फियर में रह जाते हैं, फिर फोबियाज। तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? आपके मनोमय कोशा में होती है। जब जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी कॉन्शियसनेस अगर ड्रॉप हो रही है, कॉन्शियसनेस कब ड्रॉप होती है? जब
हम अनस्टेबल ज्यादा हो रहे हैं, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ना खुद पर भी ट्रस्ट कर पा रहे, तो कॉन्शियसनेस ड्रॉप हो रही है. मीन्स हम हमारी चेतना को गिरा रहे हैं, लोअर माइंड में जा रहे हैं. लोअर माइंड में जा रहे हैं तो उसी तरह के इमोशंस आप अट्रैक्ट करोगे, अनवांटेड फीलिंग्स को, अनवांटेड इमोशंस को. वो इमोशंस आपके अंदर आए, देन सेम थिंग विल स्टार्ट इन योर सराउंडिंग. एग्जाम्पल, आपने कोई नेगेटिव बातें सुनी कि यहाँ पर चोरी हुई है, डकैती हुई है, वो चीज आपको इतना माइंड में अनस्टेबल कर देगी कि आपकी खुद की चेतना और लो हो जाएगी. आप सोचोगे मेरे घर में ऐसे हुआ तो मैं ये सारा ऐसे ब्लॉक कर दूंगी, यहाँ पे ऐसे बंद कर दूंगी. आपका बाहर जाना, आपके मेंबर्स का बाहर जाना, वो भी आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस बन जाएगा. मीन्स आपकी चेतना कितनी ज्यादा फियर में चली गई, कितना फोबिया आपके अंदर बढ़ गया. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फायर एलिमेंट भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है. आपका विल पावर जो है, विल पावर भी डिस्टर्ब हो रहा है. तो ये लेयर में, जो मनोमय कोशा का लेयर है, यहाँ पर आपका ये सारे इमोशंस गैदर हो रहे हैं. इस इमोशन को जैसे जैसे हम हटाना स्टार्ट करेंगे, इस लेयर से ये एनर्जी निकल दी जाएगी और ऑटोमेटिक शिफ्ट आ जाएगा. फिर उसके बाद जैसे आता है विज्ञानमय कोशा, ये एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है, इज कनेक्टिंग विद द हायर माइंड. जैसे हम थोड़ा सा स्टेबल हैं, हम थोड़ा सा अपनी चेतना को पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं, तो हमारी इनर कॉन्शियसनेस हमें गाइड कर रही है. हम अपने इनर वॉइस से कनेक्ट हो रहे हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं. हमारे अपने कुछ वैल्यूज हैं, कुछ अपनी बिलीफ सिस्टम है, हमारी नॉलेज है. अब उस बिलीफ सिस्टम के साथ आप चल रहे हो, उस नॉलेज के साथ आप चल रहे हो, यहाँ पर आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो. और डीप इनर कोर में कनेक्ट होने के लिए इसको आप बैलेंस कीजिए. अगर ये हायर माइंड डिस्टर्ब होगा तो अगेन इमीडिएटली यू विल कनेक्ट विद द लोअर माइंड और फिर आपके इमोशंस ड्रॉप होने लगेंगे. मेक योर सेल्फ इमोशनली स्ट्रांग बाय बैलेंसिंग योर विज्ञानमय कोशा. फिर उसके बाद जैसे आनंदमय कोशा आपके ईदर एलिमेंट से ज्यादा कनेक्टेड है, जिसे हम सोल की ऊर्जा कहते हैं. अब ब्लिसफुल एनर्जी जो चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे हम डिवाइन हीलिंग चैनल कहेंगे, तो यहाँ पर इस स्टेट को पाने के लिए हमें अपने आप के साथ रहना होगा, हमें अपने आप को समझना होगा. हम जब सेल्फ के साथ अगर रह पाएंगे, हम अपने आप को समझ पाएंगे, हम इस प्योर नेचर को समझ पाएंगे, तब हम कहीं पर भी बैलेंस कर पाएंगे. द नेचर इज ऑलवेज देयर एवरीवेयर. उस नेचर को समझने के लिए, उसके अंदर सस्टेन करने के लिए हमें अपने आप को समझना है. अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, तो ये ईथर एलिमेंट है. ईथर एलिमेंट मीन्स जस्ट गोइंग इनसाइड यू. बाहर क्या हो रहा है डजंट मैटर, प्योरली इट इज यू एंड योर सेल्फ. वॉट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, वॉट इज हैपनिंग इन योर माइंड, वॉट इज हैपनिंग एट योर ऑर्गन्स, आपको कहाँ पेन है, कहाँ पर स्टिफनेस है, कहाँ पे कंजेशन फील हो रहा है, आप उसे समझेंगे. और जैसे 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 आप डीप अपने आप को समझने लगेंगे, उससे कनेक्टेड जो इमोशंस है उसका भी आपके सामने रिप्लाई आएगा. दोज इमोशंस विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू एंड यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दोज इमोशंस. आप उस इमोशन को एक्सेप्ट करोगे, उसे रिलीज करना स्टार्ट करोगे, बिकॉज नाउ यू आर मोर फॉर योर ओन सेल्फ. क्योंकि आप अपने शरीर से, इस ऊर्जा से आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इन्फिनाइट में बढ़ना चाहते हो. जैसे इन्फिनाइट की हमने बात की, तो ये इन्फिनाइट क्या है? हम शरीर से आगे कहाँ बढ़ना चाहते हैं? इज देयर समथिंग एल्स बियॉन्ड दिस कोशास? हमने तो सिर्फ ये कोशा को समझा. ये कोशा आपको क्या गाइड कर रहे हैं? दिस कोशास आर गाइडिंग विथ एनी अदर थिंग, मे बी जर्नी, जर्नी ऑफ बॉट, जर्नी ऑफ सोल. मीन्स आपके अंदर की एक जर्नी है. कोशा तो जैसे एनर्जी लेयर्स हैं, ये जैसे एक एक लेयर आपके सामने आ रहा है, वैसे ही ये लेयर आपके चक्रा से कनेक्टेड है, प्लेनेट से कनेक्टेड है, आपके फाइव एलिमेंट से कनेक्टेड है और पंच कोशा से कनेक्टेड है. पर इसके अलावा ये कनेक्टेड है आपके कर्मा से, आपकी सोल की जर्नी से. सोल जो हमने ब्लिसफुल आनंदमय कोशा में देखा, आनंदमय कोशा इज अ ब्लिसफुल स्टेट ऑफ सोल, जहाँ पे सोल प्योर फॉर्म में थी, वो प्योर फॉर्म में बर्थ हुई थी, उसका कोई
कर्म नहीं था, वो स्टेज का एनर्जी है। उस स्टेज की एनर्जी ने जब बर्थ लिया, जब शुरू की, तो बर्थ कौन से फॉर्म में ली? बर्थ उसने ली एक इन्फेंट के फॉर्म में, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दीस आर द सेवन चक्रास, और ये सबसे नीचे जो है ये इन्फेंट सोल है। यहाँ पर मीन्स जब आपकी सोल की ऊर्जा ने पहली बार बर्थ लिया, तो ये इन्फेंट सोल के फॉर्म में बर्थ हुई, उसकी पहली जर्नी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उसने इस लेवल पे काम करना स्टार्ट किया। देयर इज अ डीप साइंस बिहाइंड दिस सोल जर्नी। जो इन्फेंट सोल वाले होते हैं वो इमीडिएटली ह्यूमन किंगडम में आए हैं फ्रॉम एनिमल किंगडम। मीन्स इनके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट ज्यादा एक्टिव होती है। जैसे जो लोग फियरलेसली कैन किल एनीवन, किसी को भी मार देना, मास ऑफ पीपल को मार देना, ऐसे वाली एनर्जी, ऐसे वाली जिसका बिहेवियर पैटर्न होगा, वो इन्फेंट सोल में ज्यादा होते हैं। दैट इज योर फर्स्ट लेवल ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद ये साइकिल कंप्लीट करके जब सोल का फिर रीबर्थिंग होता है, अगर वहां की लेसन्स जो है वो आपने कंप्लीट किए इन्फेंट सोल से, नाउ द सोल इज रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल में बेबी सोल बनेगी, वो री सोल। बेबी सोल पर जब आप आते हैं तो उस सोल के अंदर एक फियर होता है कि उसने जिस तरह से किसी को मार दिया था पिछले लाइफ में, तो इस लाइफ में कोई उसे मार देगा, तो ये वाला फियर एक लेकर चलती है। तो ये फियर निकालने के लिए व्हाट दे वांट अ प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन उनको किस तरह से मिलेगा? तो प्रोटेक्शन उनको इस तरह से मिलेगा, लाइक दिस काइंड ऑफ सोल मोर यू विल फाउंड इन जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या फिर जो सोल्जर्स होते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं। मीन्स यहाँ पर इनका वो डर निकल जाता है कि हमको कोई इस तरह से मारेगा। ये सोल्जर्स आर फाइटिंग, दे आर फियरलेसली फाइटिंग एंड गिविंग देयर लाइफ। तो जो इन्फेंट सोल में रहकर जिस तरह से उन्होंने काम किया था, वो वाले कर्मा नहीं होंगे, वो वाले सेंसेस नहीं होंगे। दिस विल बी मोर काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन। मीन्स वो चाहते हैं कि वो अब लोगों को प्रोटेक्ट करें और उनकी भी प्रोटेक्शन हो सके। अब उसके साथ जैसे इन्होंने फियरलेसली अब लोगों की प्रोटेक्शन दी, इन्फेंट में पहले किल किया, उसके बाद लोगों को प्रोटेक्शन दिया बेबी सोल में, नाउ दे वॉन्ट मोर प्रोटेक्शन फॉर सेल्फ। अब मोर प्रोटेक्शन के लिए जब सोल फिर से रीबर्थ होती है, तो वो यंग सोल के लेवल पे रीबर्थ होगी। एंड यंग सोल मीन्स दे आर द पर्सन लाइक लीडरशिप क्वालिटीज, हम कहेंगे जो लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द आप देखोगे कितना सारा प्रोटेक्शन होता है। एवरी वन इज प्रोटेक्टिंग दैम, एवरी पर्सन इज प्रोटेक्टिंग दैम। अब वो प्रोटेक्शन वो सीक कर रहे थे, वो चाह रहे थे, उनकी सोल को पता है कि पहले की लाइफ में इस तरह से हुआ था ना, वी वॉन्ट मोर प्रोटेक्शन। तो वो यंग सोल में इस तरह के फॉर्म में आए। फिर उसके बाद जैसे फिर रीबर्थ हुआ, रीबर्थ में अब उनकी जो क्वालिटी है, सोल की जर्नी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यंग सोल में उन्होंने वो सारे डिजायर को फुलफिल किया, वो सारे कर्मा को डील किया। अब नाउ दे आर सेटिस्फाइड एंड दे वॉन्ट टू मूव अहेड फॉर सेल्फ जर्नी। मीन्स यहाँ पे अभी वो खुद के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं। तो मैच्योर सोल के फॉर्म में उनका रीबर्थ होता है, दे स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, और यहाँ से एक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअल जर्नी। अब कुछ जैसे सोल होते हैं जो यंग सोल पे भी ये जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं। यंग सोल में वो जर्नी की हुई होती है, इसके लिए मैच्योर सोल में इजिली उस स्टेट में कनेक्ट हो जाते हैं, दे मूव अहेड। अब यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड नाउ दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट देयर लाइफ पर्पस एंड मोर अबाउट देयर सोल पर्पस। ये दोनों चीजों को उन्हें जानना है, समझना है। अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, जो भी अपने डीड्स हैं एट रिलेशनशिप लेवल, एट कार्मिक लेवल, जो भी है, वो सारे दोषास को क्लियर करते हुए, हील करते हुए या उसे डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब ये फिर से रीबर्थिंग होता है तो ओल्ड सोल लेवल पर ये आ जाते हैं। अब ओल्ड सोल कौन होते हैं? जो अपनी चीजों से बहुत सारे लोगों के अंदर एक प्रभाव छोड़ के जाते हैं। जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, मीन्स ऑल काइंड ऑफ आर्टिस्ट कम अंडर दिस ओल्ड सोल। इनके एक मैसेज पे पूरी दुनिया इनको फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो फिल्म आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको देखकर बहुत सारी चीजें फॉलो की जाती है, लाइक
अगर कोई मीडिया एड्स हो, कोई प्रोडक्ट एड्स हो, तो पीपल फॉलो देम, वॉट एवर दे आर डूइंग पीपल फॉलो देयर कैरेक्टर, क्योंकि उन्होंने उस एनर्जी को, सोल को अपना एक रोल मॉडल बनाया है. दोज आर ओल्ड सोल. अभी ओल्ड सोल फिर से अपनी कुछ जर्नी करके अभी और आगे, अगर इनकी जर्नी आगे बढ़ चुकी है, नाउ दे विल मूव टू द ट्रांसेंडेंटल लेवल. जब ट्रांसेंडेंटल लेवल पे जब ये आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर जैसे हम कहेंगे मदर टेरेसा जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, ऐसे जो भी सोल हैं, दे आर ट्रांसेंडेंटल सोल बिकॉज दे हैव नॉट लिव लाइफ फॉर सेल्फ. उन्होंने अपनी जो जिंदगी है, अपनी लाइफ लोगों के लिए जी है. दे लेफ्ट अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड, दे चेंज द वर्ल्ड, दे ब्रॉट मैनी गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी एंड फॉर ह्यूमन बींग. तो ये ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल पर है, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई मास्टर्स हो, ये सारे ट्रांसेंडेंटल लेवल पर होते हैं, जो अपनी चीजों से बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं, लोग इन्हें फॉलो करते हैं. जैसे इसके बाद जैसे हम देखेंगे इन्फिनाइट सोल है, तो इन्फिनाइट सोल में इट इज लाइक मर्जिंग इन द फाइव एलिमेंट. मीन्स जो देवी देवता हम पूछते हैं, ये सारे इन्फिनाइट सोल आ जाते हैं. तो इस जर्नी पे पहुंचने के लिए, हमारे इस जर्नी पे पहुंचने के लिए वी हैव टू पास दिस ऑल लेयर्स. पर कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने कल का ही सर का जो टॉक सुना, उसमें भी सर ऑल्सो सर डॉक्टर उदय शाह कि गुरु नानक जी ही एक ऐसे देव है जो फर्स्ट लाइफ मीन्स एक जिस लाइफ में उन्होंने बर्थ किया, उसी लाइफ में डायरेक्टली वो इन्फिनाइट सोल तक पहुंच चुके थे. उन्होंने उतनी साधना की, उतने सारे अपने साधना से डायरेक्टली शिफ्ट लेकर आए, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज फ्रॉम इन्फेंट टू इन्फिनाइट जस्ट इन वन लाइफ. तो ये आपकी साधना पर निर्भर करता है कि आप कितनी साधना करते हो. साधना मीन जस्ट नॉट डूइंग मेडिटेशन, साधना इज मीन्स मैनी थिंग्स. आप चीजों को किस तरह से एक्सेप्ट करते हो, आप चीजों को किस तरह से रिलीज करते हो, आप लोगों को किस तरह से लेते हो. Someone is ditching you, how you took that person. किसी ने धोखा दिया, आपने सामने कैसे रिएक्ट किया, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे और कोई चीजें हो, आपके साथ वो चीजें हो रही हैं, बट आर यू रिस्पॉन्डिंग और आर यू रिएक्टिंग. तो जैसे आपने देखा ये लेयर्स हैं, जो सेवन लेयर्स, दीज आर कनेक्टेड विद दिस सेवन जर्नी ऑफ योर सोल. अभी हर एक जर्नी जो होती है इन्फेंट टू लेके इन्फिनाइट, देर इज लाइक एक हम कहें कि एक सोल एक लेवल पे अगर 100 लाइफ जीती है, लाइक एन इन्फेंट सोल अगर उसी फॉर्म में 100 लाइफ जी रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका डायरेक्ट नहीं आगे बढ़ पा रहा है, अभी भी कोई चीजें उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, रिवेंज एटीट्यूड है, हेट्रेडनेस है, बहुत सारी चीजें हैं, लोगो माइंड के थॉट्स ज्यादा हैं, तो ये आपको उसी जगह पर रोक कर रखेगा. आपकी जर्नी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप उसके अंदर शिफ्ट नहीं लाओगे. मीन्स आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यस वॉट यू डिड वॉज नॉट गुड. अगर आपने जैसे आतंकवादी है इतने सारे लोगों को मार देते, तो डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग और रिग्रेट कि इतने सारे लोग मर गए उनके वजह से. वो लोग मरे जिनका कोई दोष भी नहीं था, दे आर जस्ट हैप्पी इन किलिंग समवन, लाइक दे हैव अचीव्ड सो मेनी गुड थिंग्स, तो उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है. और वो जो लोग सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस कार्मिक थॉट्स आर ब्लॉकिंग देयर एनर्जी. तो जब तक उस ब्लॉक को नहीं रिलीज करेंगे, समवेयर दे विल कीप अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ बर्डन्स इन देयर लाइफ. तो इसी तरह से हर एक लेयर में एक कर्मा है हमारा. क्या कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो? आर यू मींस किसी को ब्राइब दिया है, अपने कोई फाइनेंस में किसी को डिच किया है, किसी का फाइनेंस ले लिया है, रिटर्न नहीं किया है, ये सारी चीजें आप एक फाइनेंशियल ब्लॉकेज अपने लिए क्रिएट कर रहे हो. इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन फाइनेंशियल ब्लॉकेज, किसी के फाइनेंस को ब्लॉक मत करिए सबसे पहले. इफ यू आर रिसीविंग, गिव इट ऑल्सो. जितना रिसीव एंड गिव करोगे उतनी एनर्जी फ्लो होगी, चाहे वो रिसीविंग एंड गिविंग इन फॉर्म ऑफ लव हो, इन रिलेशनशिप हो. तो जितना आप कंपैशनेटली डील करोगे, द सेम कंपैशन यू विल रिसीव. तो गिव एंड थ्रो इज विद कंपैशन. तो हमारे जो ये सेवन लेयर्स हैं, ये सेवन लेयर्स को आप कंप्लीटली हील कीजिए, और सेवन लेयर्स को
हील करने के लिए ये सारे जो कर्मा आप फेस कर रहे हो उस कर्मा को रिलीज कीजिए, उसको क्लियर कीजिए। जैसे हमने चक्रास में भी समझा था कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, हर एक चक्रा हर एक कर्म से कनेक्टेड है। कोई पास्ट से कनेक्टेड है, कोई प्रेजेंट से कनेक्टेड है, कोई हमारे पेरेंटल कर्मा से कनेक्टेड है, कोई लव हेट्रेड कर्मा से कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन कर्मा, थॉट कर्मा, स्पिरिचुअल कर्मा। तो ये हर एक कर्मा हर एक लेयर में है। तो आपके कर्मा को जानने के लिए जैसे हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से हमारी चीजों को जानते हैं, उसी तरह से हम ऑरा के माध्यम से हमारे ये लेयर्स के बारे में जान सकते हैं। आपके ये लेयर गाइड करेंगे कि आप क्या चीज को लेकर चल रहे हो, आपकी एनर्जी गाइड करेगी। और अगर ये डिस्टर्ब है दैट मीन्स समवेयर यू स्टिल नीड टू क्लींस एंड यू नीड टू बैलेंस दिस। ये हमारे 7 लेयर्स है। सो ब्यूटीफुली इट इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग, नेचर्स के साथ भी कनेक्टेड है, कुदरत ने भी कैसे बनाया है हर चीज को साथ। 7 कलर्स ऑफ रेनबो, एटमोसफियर के 7 लेयर्स हमने देखे, क्रस्ट के, अर्थ क्रस्ट के 7 लेयर्स देखे, वी आर हैविंग 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक। तो ये हर चीजें एक नेचर से कनेक्टेड है, हमारे पंचकोशा कनेक्टेड है। इसके ऊपर हम काम करें, इंटीग्रेटेडली काम करें, हमारे डाइट को करेक्ट करें, हमारे डाइट में कहाँ इम्बैलेंस आ रही है उसे हम समझें, और ये पूरी तरह से बैलेंस होता जाएगा। नाउ अगर जिन्होंने ऑरा करवाई है दे कैन स्टार्ट वर्किंग, जिन्होंने हीलिंग सीखी है दे कैन स्टार्ट वर्किंग एट एवरी लेयर। कुछ लेयर आपके योगा एक्सरसाइज से हील होंगे, जैसे जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारा आनंदमय कोशा, तो ये आपके फिजिकल एक्सरसाइज से हील हो जाएगा। पर अगर आपका प्राणमय कोशा है तो स्टार्ट वर्किंग विद द ब्रीदिंग टेक्निक्स। मनोमय कोशा के लिए आप साइकिक सर्जरी यूज कर सकते हो। विज्ञानमय कोशा के लिए यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद करुणा हीलिंग, मुनिकी राइट यूज कर सकते हो। इवन एट मनोमय कोशा यू कैन वर्क विद मुनिकी राइट। और इधर एलिमेंट में आप जितने भी हीलिंग डालोगे नेचुरल वे में, ये आपकी हीलिंग पूरी आपके सारे लेवल्स को हील करते जाएगी। तो आप जो भी हीलिंग मॉडलिटी को समझ रहे हो उसे आप सीखो और उसे प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज जैसे हमने इन चीजों को समझा, इन लेयर्स को समझा, तो इसी के साथ हम एक छोटा सा मेडिटेशन फिर करेंगे टू क्लींस एवरी लेयर ऑफ एनर्जी। हमारे जो 7 चक्रा से कनेक्टेड हमारे 7 लेयर्स हैं, इसको हम क्लींस करेंगे विद हीलिंग मेडिटेशन। तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो क्विक 1 मिनट ब्रेक एंड वी विल स्टार्ट अगेन। चलिए सब रेडी है तो हम स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विथ क्लींजिंग ऑरिक लेयर्स। सब जन अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए।
आपके बॉडी को कंफर्टेबल कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। अब हम इन्वोक करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, जो भी हीलिंग मॉडलिटी हमने सीखी है, हम उन सबका आह्वान करते हैं। With the invocation, now we connect with our breath. आप अपना ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें अंदर लें। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। सांसों की ये प्रक्रिया आपको इसी तरह जारी रख। अब धीरे धीरे आप अपने इनर ऑरा से कनेक्ट हो जाइए, द इनर कोर, आनंदमय कोशा से अंदर जा रहे हैं आप। अब धीरे धीरे आप विज्ञानमय कोशा से अंदर जा रहे हैं। स्लोली स्लोली यू आर गोइंग इनसाइड थ्रू योर मनोमय कोशा और डीप प्राणमय कोशा में आप जा चुके हो। नाउ स्लोली एंड डीपली यू आर कनेक्टिंग इन योर अन्नमय कोशा। आपके अन्नमय कोशा से आप कनेक्ट हो चुके हो द इनर कोर। इस कोशा में आपके पूरे फिजिकल बॉडी के इंफॉर्मेशन, your entire physical body is connected in Annamaya Kosha. This physical body needs food and water for survival. आपने जो भी food and water इस Annamaya Kosha को दिया to receive vitamins and minerals, इसे आप पूरी तरह से आज डिवाइन लाइट से क्लेंस करोगे। व्हाटएवर एनर्जी व्हिच वाज नॉट नेसेसरी हैज बीन स्टोर्ड इन दिस अन्नमय कोशा, इसको आज क्लेंस करना विद अ वाइट लाइट, अ प्योर पॉजिटिव वाइट लाइट। जिन्होंने हीलिंग सीखी है वो हीलिंग ऊर्जा को इस अन्नमय कोशा में आने दें, द इनर कोर।
सबसे अंदर का लेयर, व्हाइट लेयर ऑफ लाइट आपके इस पूरे इनर कोशा को क्लींस कर रहे हैं. योर आईज आर टू कनेक्टेड इन दिस फिजिकल लेयर. हमारे सारे ऑर्गेन्स, अ प्योर व्हाइट लाइट इज क्लींजिंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम दिस लेयर. ऑल द हीलिंग एनर्जी इज क्लींजिंग दिस लेयर. Feel the vibration, feel the frequency of the white light. ये white light आपके पूरे physical body को heal कर रही है. आपका अन्नमय कोशा पूरी तरह से heal हो रहा है. जैसे जैसे ये cleanse हो रहा है, heal हो रहा है, you can feel the relaxation. With this white light, a purity and serene energy is passing in your entire Annamaya Kosha. जैसे ये layer cleanse हो गया, इसी के साथ हम इसके ऊपर के layer प्राणमय कोशा से कनेक्ट हो रहे हैं, जो अन्नमय को सराउंड कर कर रहे हैं. प्राणमय कोशा यह हमारी प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, हमारी पूरी सबस्टल बॉडी, हमारे सारे चक्रास, हमारी नाड़ियां, मेरिडियंस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस प्राणमय कोशा. जैसे एक एनर्जी सर्किट बनता है, वैसे इन चक्रा के माध्यम से एक सर्किट बना हुआ जिससे बहुत सारी एनर्जी फ्लो हो रही है, और इसी एनर्जी में ये व्हाइट लाइट जा चुकी है, अ प्योर हीलिंग व्हाइट लाइट, और ये हर एक चक्रा को क्लींस कर रही है. ऑल द चक्रास, ऑल द मेरिडियंस, हर एक नाड़ी में जा चुकी है ये व्हाइट लाइट. सारी नाड़ी इसकी क्लेंजिंग कर रही, पासिंग थ्रू द सबस्टल बॉडी. जैसे जैसे क्लेंजिंग हो रही है, आपके चक्रास डीप कनेक्टेड हो रहे हैं. एंड दिस चक्रास आर गेटिंग मोर एक्टिव एंड हील. इनसे कनेक्टेड वो हर एक चीज भी हील हो रही है जहां बहुत सारी हीलिंग रिक्वायर्ड है. टुडे विद द ग्रेस ऑफ साई बाबा एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस हीलिंग एनर्जीज, आ प्राणमय कोश इज कंप्लीटली क्लींस्ड. आ प्राणमय कोश इज नाउ प्योरली फिल्ड विद वाइटल फोर्स, अ डिवाइन energy rotating around us, activating, energizing. अब धीरे से अब अपने प्राणमय कोशा के बाहर का कोशा जो मनोमय है उससे कनेक्ट हो जाएंगे. मनोमय कोशा इसके अंदर चल रहे हर एक इमोशंस, अप एंड डाउन, सेंसिटिविटी, चाहे वो हेट्रेडनेस हो, एंगर हो, या फिर फियर हो, या स्ट्रेस, वरीज, ये सारी चीजें इस प्योर व्हाइट लाइट में जाने दीजिए. Everything is going deep and deep in this white light. जैसे वो
रूट से क्लेंस कर रही है। मनोमय कोशा जो प्राणमय कोशा और अन्नमय कोशा को कवर करता हुआ है, ये उन सारी चीजों को भी क्लेंस कर रहा है। ऑल द इमोशन ऑल ओवर द बॉडी, are completely cleansed. Pure white light इस सारी चीजों को पीस एंड हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर रही है। प्योर व्हाइट लाइट हर एक इमोशंस को हार्मनी में कन्वर्ट कर चुकी है। यू आर इन कंप्लीट हार्मनी, इन कंप्लीट पीस। आपका मनोमय कोशा इमोशनली आपको बैलेंस कर चुका है, इमोशनली आपको स्टेबल कर चुका है। पीस एंड हार्मनी। अब धीरे धीरे हम इसके बाहर के लेयर से कनेक्ट होंगे। अब विज्ञानमय कोशा, ये विज्ञानमय कोशा जो हमारा हायर सेल्फ है या हायर माइंड है, ये डीप सेंटर्ड है। इसके अंदर रहे जो भी पोलैरिटी के इमोशंस हैं या थॉट्स हैं, ये सारे प्योर व्हाइट लाइट से कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू पीस एंड हार्मनी। ये विज्ञान में कोशा आपका पूरी तरह से क्लेंस्ड हो चुका, प्यूरिफाई हो चुका। You have received a lot of healing light. और ये healing light आपको completely relaxed कर रही है। As this विज्ञानमय kosha is connected with all the internal koshas, अंदर के layers से, इन सब की cleansing के साथ साथ ये kosha हमारे सारे physical body, सारी एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी को कंप्लीटली प्यूरिफाई कर रहा है। और इसके प्यूरिफिकेशन के साथ ये सारी चीजें पीस एंड हार्मनी में कन्वर्ट हो चुकी है। यू आर इनटू पीस एंड हार्मनी विथ योर ओन सेल्फ, यू आर इनटू पीस एंड हार्मनी विथ योर बॉडी, you are into peace and harmony with your mind, you are into peace and harmony now connecting with your soul. Aapka anandamay kosha, as the anandamay kosha itself is the semblance of anand, the happiness, a blissful energy. All the pure white light is bringing lot of happiness and bliss into your life. It is more connected with the nature, with the pure happiness, with the divine blessing. It is much beyond the universe inside us. Only energy, energy of purity, energy of love, energy of compassion. This pure white light is bringing this anandamay kosha in more blissful state. You can feel the vibration of happiness surrounding you. A happiness is within you, a happy moment is you. A breath still we are taking is a happy moment for us. Still we are alive, still we are able to listen, still we are able to see, still we are able to sense, still we are able to taste, still we are able to touch. These are all the blissful feelings, the wonder of nature. And this feeling is bringing a lot of gratitude and happiness to us. With this happiness, we can feel all the layers of aura completely in blissful state. Hamare sare layers, sare koshas, puri tarah se blissful energy mein convert ho chuke hain. A pure energy, happiness around us.
scream the happiness in your each and every blood cells and atoms. जो एनर्जी सर्किट चल रही है और सबस्टल बॉडी इट इज ऑल्सो इन प्योर ब्लिस मोर कनेक्टिंग विद आनंदमय कोशा यू आर डांसिंग यू आर सेलिब्रेटिंग अ जॉयफुल मूवमेंट ऑफ सोल योर सोल ट्रांसफॉर्मेशन इज लीडिंग टू इन्फिनाइट फॉर्म मर्जिंग विद द इन्फिनाइट मर्जिंग विद द वंडर्स मर्जिंग इन द यूनिवर्स Your blissful state, relaxation. Feel the enjoyment inside you. Feel the bliss and this blissful energy. We will seal it over here within us. We want this energy always for us. This blissful energy ko apne andar isi tarah banaye rakhiye. Feel the aura surrounded again with the white light. Aapke ye sare panchon kosha. The outer kosha, Anandamay kosha, is now surrounded with this pure white light. And this pure white light is sealing your aura, is protecting your aura, protecting the koshas with the energy of peace, happiness, serenity, the bringing abundance of healthy relationship for self and with others. Healthy. Life, happy life. Your aura is completely protected. All your layers are completely protected and cleansed. Feel the vibration, feel the bliss. Feel this bliss continues up. We request our higher self to keep this blissful energy. Always for us, always keep us protected. Feel the bliss just for a moment. A pure white light of serenity and peace. Now see your aura, imagine your aura just as a pure white light. Your internal aura, your external aura is a pure white light. Just in the form of pure white light. Aapke andar ki shareer ki aura, shareer ki layers aur bahar ki aura, jo bahar ki layers hai, ye puri tarah se white light mein convert ho chuke hain. A pure light, divine light. This is for protection. Feel the energy. Feel the shift. Now your all layers are completely in pure state. Slowly, slowly, we will bring back our consciousness in the present moment. आपकी हरी layers, आप धीरे-धीरे अपने इस present body से connect हो जाइए. Slowly, slowly connect with your present body. Your pure consciousness with positive energy is back into your body. अपने पूरे शरीर को feel करें. आपके पैरों से लेकर आपके शरीर के हर एक हिस्से को महसूस करें सर तक के पूरे हिस्से को महसूस करें अब आपके ब्रेथ से कनेक्ट हो जाइए कनेक्ट विद योर ब्रेथ आपके सांसों को महसूस करें जैसे जैसे आप सांसें अंदर ले रहे हो
आपके शरीर की मूवमेंट हो रही है, आपकी छाती फूल रही है। जैसे जैसे सांसें रिलीज हो रही है, आपकी छाती रिलैक्स हो रही है। You are completely back in pure conscious state in present moment. आप पूरी तरह से वापस आ चुके हो present moment में। अब आपके हाथों और पैरों के उंगलियों में movements लाए, ring movements in your fingers, in your toes. अब आप दोनों हथेलियों को रब करें, इन्हें रब कर कर सबसे पहले आप अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट हो जाइए, अपने हार्ट एनर्जी सेंटर से कनेक्ट हो जाइए। फील द ब्लिसफुल एनर्जी एट योर हार्ट, एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस एट योर हार्ट। से थैंक्स टू योर ओन सेल्फ, टू योर ओन बॉडी। Thank you to each and every body parts and organs. Thank you to all the five senses we are having. Thank you to the food we are having, to the water we are having. Thank you to the fire. Thank you to the air we are breathing. Thank you to this entire universe, to the ether element. Say thanks to your parents, to your ancestors. Say thank you to all the God goddesses and healing energies we invoke. Thank you, thank you, thank you. And slowly open your eyes. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें. Whenever you are ready, you can slowly open your eyes. वेलकम बैक एवरीवन। ये मेडिटेशन आप इसी तरह से अपनी और आपको क्लींस करने के लिए कर सकते हैं। तो ऑलवेज यू कैन प्रैक्टिस विद द हीलिंग मॉडलिटीज जो भी आपने सीखी है। तो चलिए, अगर आप सबजन की परमिशन हो तो आई विल टेक योर लीव। आप सबजन से मैं बहुत थैंक यू हूँ, आप सब जन का, डॉक्टर उदय शाह का और पूरी साई करुणा मिशन टीम का, थैंक यू वेरी मच। और फिर आप इसी तरह से ज्वाइन होते रहिएगा इवनिंग सेशंस में जो डेली चल रहे हैं। आप अपने नियर एंड डियर वंस को भी कह सकते हैं टू ज्वाइन फॉर द सेशंस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। और जैसे हमारी अपकमिंग रिट्रीट भोपाल में होने वाली है, तो आप में से कुछ लोग अभी भी अगर सोच रहे हैं तो यू कैन एनरोल फॉर द अपकमिंग रिट्रीट इन भोपाल। आपको ऑन कॉल गाइडेंस मिल जाएगी कि आप किस रिट्रीट में, जैसे तीन ग्रुप चलेंगे, बेसिक ग्रुप, एडवांस ग्रुप एंड रिग्रेशन ग्रुप। तो विद गाइडेंस यू कैन सेलेक्ट योर ग्रुप अकॉर्डिंगली और आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।